खड़ा कर लिया ऊपर दबाई ने हमारी मांग ये है कि शहर से प्राइवेट और रोडवेज की बसें ये बाईपास चलनी चाहिए जिनके रूट बाहर को हैं। हमारी रोजी रोटी का खतरा है, खतरा नहीं है, रोजी रोटी छीन ली मत, घर के चूल्हे नहीं चल रहे, ऑटो की किस्त नहीं दी जा रही, प्राइवेट बसों वाले हमारे सामने से सवारी उठा रहे 10-10 रुपये में, हम कहाँ जाएँ। यही प्रशासन से हमारी डिमांड है कि बसों को बाहर किया जाए, नहीं तो अगर बाहर नहीं हुई 2-3 दिन में तो हम स्ट्राइक के लिए मजबूर हैं, अपने ऑटो और रिक्शा का चक्का जाम कर देंगे। 2 दिन का टाइम है प्रशासन के पास, अगर 2 दिन में बसें बाहर को होती है तो ठीक है, नहीं हम हमारी ऑटो और रिक्शा का चक्का जाम कर देंगे, मजबूर हो जाएंगे हम, चाहे सवारी किसी में जाओ किसी में ना जाओ, हमें फिर कोई मतलब नहीं होगा किसी से, ऐसा होगा। जिन मांगों को आप लेके उतरे हैं सड़क पर, जो कि सारे के सारे कॉलेज बाजार के अंदर हैं और जो स्टूडेंट हैं उनके पास पेइंग कैपेसिटी भी इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, तो उनके लिए क्या आप फ्री सर्विस लगाएंगे? उनके लिए गवर्नमेंट ने सीधी सर्विस लगा रखी है जी, दो बजे से फ्री सर्विस से आप लगा सकते हो, अगर आप ऑटो चलाते हो तो आपने हमारे को प्रश्न कर दिया, ये आप लो ऑटो आप करो फ्री सर्विस, ये हमारा काम नहीं है फ्री सर्विस का, बच्चे को शहर में पढ़ने के लिए भेजता है ना, वो किराया दे के ही भेजता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि मतलब वो किराया ना लेके भेजे माँ बाप, ना ही ऐसा कोई माँ बाप होगा जो किराया नहीं देगा अपने बच्चों को, सभी माँ बाप किराया, पहले रोडवेज की बस भी चलती थी, बस स्टैंड भी अपने शहर के अंदर, हाँ जी, भी आपको किसी तब हमारी सवारी कोर्ट और सारा गोहाना रोड पे ही काम हमारे जीन में, तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी जब बस स्टैंड अंदर था हमारा काम चलता था, अब ये गोहाना रोड पे ही सारे ऑफिस है, मेडिकल भी है, सब कुछ गोहाना रोड पे ही, इसी से बस आ रही है सवारी वो उठा रही है, किराया 20 रुपए ऑलरेडी, चलो कुछ जिला प्रधान।